नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर्व पर प्रतिबंध लगाने के बाद गुरुवार रात से हर की पौड़ी को सील कर दिया गया, जिस कारण श्रद्धालु गंगा स्नान को हर की पौड़ी में ना जा सके। रात को हर की पौड़ी जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग लगा की गई थी। हर की पौड़ी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हर की पौड़ी और सात लगते घाटों पर स्थानीय लोग भी स्नान नहीं कर सके। मकर संक्रांति पर रोक के बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ा। आज मकर संक्रांति का स्नान है, इसको लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को वापस भेजने के लिए पूरे प्रयास किए गए थे, लेकिन फिर भी प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरियंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार ना आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। प्रदेश की सत्ता में वापसी की संभावनाएं देख रही कांग्रेस इंटरनेट मीडिया पर पहले से ही काफी सक्रिय है। सत्तारूढ़ दल और सरकार के खिलाफ तीखे तेवरों के साथ लड़ाई छेड़ी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी निर्णायक लड़ाई की तैयारी शुरू की गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहले जब चुनाव आयोग ने नहीं भी कहा था और सरकार की गाइडलाइंस भी नहीं आई थी, तभी ये स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जो आम जनमानस है उसकी जान सर्वोपरि है कि हमारी अगले 15 दिनों तक के लिए जितने भी चुनावी राज्य हैं उसमें बड़ी जो रैलियां हैं वो स्थगित कर दी गई थी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है अब सारा चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तैयार है। चाहे हमारा प्रदेश का सोशल मीडिया विभाग हो और देश का सोशल मीडिया विभाग हो, बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारे जो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं वो अपने मन से कांग्रेस की विचारधारा को आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्हें पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने बताया कि वह भी 2002 से उस समय सेंट्रल परियम एंट्री बोर्ड में मेरा नाम पहुंचा था। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने इच्छा जाहिर की थी कि वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस समय लक्ष्मण चौक सीट समाप्त हो गई और देहरादून कैंट सीट अस्तित्व में आई। हमारे वरिष्ठ नेता हरवंश कपूर की राजपुर वाली सीट खत्म होने के बाद कैंट विधानसभा में आ गई थी। स्वर्गीय हरवंश कपूर हमारे बीच नहीं है और उनकी विजय की परंपरा को हमें आगे बढ़ाने का मौका पार्टी मुझे देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वर्ष 2002 से दावेदार हूं और 2002 में ये विधानसभा लक्ष्मण चौक विधानसभा होती थी और उस समय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तक मेरा नाम पहुंचा था। लेकिन उस समय चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी ने बाद में इच्छा व्यक्त की कि वो पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया गया था। अब दुर्भाग्य से हरवंश कपूर जी हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनकी परंपरा को, विजय की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी अपनी दावेदारी की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पार्टी मुझे मौका देगी। धर्मनगरी हरिद्वार में जहां मकर संक्रांति के त्योहारों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी सहित कई संत अन्य जल छोड़कर अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि कल नौसन बॉर्डर पर ही जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी के विरोध में यति नरसिम्हानंद गिरी सहित कई अन्य संत अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक जितेंद्र त्यागी को रिहा नहीं किया जाता, वे अन्य जल नहीं ग्रहण करेंगे, चाहे इसमें उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। ये जितने भी लोग आए ना, हमने किसी को बुलाया नहीं है। मुझे लगता है कि आज कल और परसों 3 दिन में यहाँ 1 लाख लोग यहाँ पे हमारा समर्थन करने आएंगे कम से कम, और उसके बाद तो ये भीड़ हजारों गुना बढ़ जाएगी। तो अभी तो हम लोग बैठे हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा लोग आएंगे, हमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़ाई के हमारी नहीं है, लड़ाई सनातन धर्म के अस्तित्व की है। और अगर अस्तित्व की लड़ाई में किसी को चिंता नहीं है तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।